कि दंगाई सरकार में बने सरकारी मेहमान और निर्दोषों को मिल रहा शमशान। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां दुमका के अंकिता हत्याकांड में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने इस केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी को तलब किया है। कोर्ट में डीजीपी ने इस केस में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी और अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी निशाना साधते हुए कहा कि मोमबत्ती से हाथ जलता है तो बहुत देर तक हम लोग बेचैन रहते हैं। अंकिता का तो पूरा शरीर जल गया, लेकिन बिना मुख्यमंत्री देखने गए ना ही उनके मंत्री लोग। यह लोग बस पिकनिक मना रहे थे। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, अंकिता के जैसे बर्बर मामले हाल के दिनों में हम लोगों ने बिल्कुल नहीं देखे हैं। आप सोचें, एक मोमबत्ती से अगर हमारे उंगली का भी एक छोटा सा हिस्सा टच कर जाता है तो कितनी जलन होती है, कितने समय तक हम लोग परेशान रहते हैं। इस बेटी का तो पूरा शरीर जल गया था। और उस वहशी दरिंदे की तस्वीरें जो सामने आई थी, वो मुस्कुरा रहा था जैसे प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं। उसे ना शासन का इकबाल का डर है, ना ही प्रशासन का डर है। तो ये दरिंदगी जो हो रही है इस सरकार के कार्यकाल में, ये सरकार को शर्मसार होना चाहिए। सरकार को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ से 50 किलोमीटर दूर लतराटू डैम जाते हैं, बोटिंग करते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, चिकन मटन का दौर चलता है। भाई, शौक बड़ी चीज़ है, आप बिल्कुल करें, लेकिन क्या इस प्रदेश में ये उचित है? जहाँ 3300 हत्याएं हुई हों दो वर्षों में, 3500 बलात्कार हुए हों, और एक बेटी रिम्स में जीवन की लड़ाई लड़ रही है, जीवन और मृत्यु के बीच में 6 दिनों से संघर्ष कर रही थी, और आप पिकनिक मना रहे थे और सेल्फी खिंचवा रहे थे। तो यही इस राज की असलियत है। आप देखिए, मुख्यमंत्री आवास से जो रिम्स है वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, मन्ना गुप्ता जी की आवास से भी शायद उतनी ही दूरी है, लेकिन दोनों में किसी ने भी जहमत नहीं उठाई इस बेटी का इलाज के जो स्टेटस है उसको जानने के लिए, रिम्स जानने के लिए। तो हम मानते हैं ये पूरे तरीके से असंवेदनशील सरकार है। 6 दिनों के बीच में सरकार चाहती तो इस बेटी को एयरलिफ्ट करके बेहतर इलाज के लिए वो दिल्ली या हायर सेंटर भेज सकती थी। देखिए, जीवन ईश्वर के हाथों में होता है, लेकिन इस सरकार ने तो प्रयास भी नहीं किया इस अभागी बिटिया के जीवन को बचाने के लिए। हाँ, ये प्रयास ज़रूर करते हैं जब नदीम जैसे दंगाई को एयरलिफ्ट करना होता है, जिसके ऊपर रांची पुलिस पर पथराव और गोली चलाने का आरोप है, तो उसे बिना किसी परिजनों के मांग के भी एयरलिफ्ट करके मेदांता दिल्ली में, मेदांता गुड़गांव में लाखों रुपया खर्च करके इलाज कराया जाता है। लेकिन एक निर्दोष अभागी अंकिता, जिसका सिर्फ इतना दोष था कि उसने एक शाहरुख नाम के व्यक्ति के प्यार को मना कर दिया था, तो उसको जला दिया जाता है। और ये राज की कोई पहली घटना नहीं, ये तुष्टिकरण वाली सरकार है। अंकिता को भी एयरलिफ्ट किया जाता अगर उसका नाम नदीम होता तो। ये 10 लाख रुपया इन्हें यूज़ करना चाहिए था उस बेटी की जीवन को बचाने के लिए। अरे, इससे 10 गुना रुपया तो हमारे जो नेता हैं वो क्राउड फंडिंग के ज़रिए उनको 2-3 दिनों के अंदर सुपुर्द करने वाले हैं। पैसे से किसी के जीवन का आप वापस नहीं ला सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी। काश आपने उसे एयरलिफ्ट किया होता, 10 लाख रुपया भी खर्च नहीं होता और शायद उस अभागी बेटी की जीवन बच गई होती। लेकिन आप तो पिकनिक मनाने में व्यस्त थे। तो हम तो मानते हैं इस सरकार का यही नज़रिया है कि दंगाई इस सरकार में बने सरकारी मेहमान और निर्दोषों को मिल रहा शमशान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।